हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मैक्वेस्टिन के टैबलेट्स के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, साथ ही जानेंगे उसका डेली डोज क्या होता है, कौन से साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं और कौन से वार्निंग्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहेंगे ये मेडिकेशंस को यूज़ करने पर। तो सीखते हैं डिटेल में मैक्वेस्टिन के टैबलेट के बारे में और जानते हैं उसके बारे में डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। और अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर और डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मारोक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉइड यूजर एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूजर ऐप स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स आप जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में एक्सेस कर पाओगे फार्मारोक्स के ऐप ऊपर। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए जरूर से डाउनलोड करिए फार्मारोक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं मैक्वेस्टिन के टैबलेट्स के बारे में। तो ये मेडिकेशंस ऐसे क्लास के मेडिकेशंस कही जाएंगे कि जिसको हम इंक्लूड करते हैं एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, के ऐसे मेडिकेशंस की जो हमें अलग अलग न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब जो मैक्वेस्टिन है वो है तो ब्रांड नेम है, बट उसके अंदर जो मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम कहें तो वो है यूनिवेस्टिन। कि यूनिवेस्टिन जो है वो मेन की इंग्रेडिएंट कह सकते हैं या फिर की मेडिसिन कह सकते हैं इसके अंदर। और ये यूज़ करके जो टैबलेट बनाई गई है उसका ब्रांड नेम जो है वो दिया गया है, वो है मैक्वेस्टिन। तो बेसिकली इसका जो हम यूज़ देखें तो वो जॉइंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारी बॉडी के जो अलग अलग बॉन्स के जो जॉइंट होते हैं तो उसके जब कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उसके रिलेटेड, तो उसके इलाज में और साथों साथ उसको प्रिवेंट करने में ये मेडिकेशंस जो है वो यूज़ की जाती है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर से होगा कि यूनिवेस्टिन क्या है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होगा यूनिवेस्टिन के बारे में। तो यूनिवेस्टिन क्या है वो जानते हैं। तो ये एक फूड बेस्ड कंपोजिशन है और ये एक पेटेंटेड फॉर्मुलेशन हम कह सकते हैं कि एक पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, कि जो नेचुरल फूड बेस्ड कंपोजिशन हम कहते हैं। और ये जो है वो मेनली दो ऐसे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, एक जो है वो है अकेसिया कटेचू। कि अकेसिया कटेचू में से फ्लेवेंस जो है वो लिए गए हैं और जो फ्लेवेनोइड्स जो है वो लिए गए हैं चाइनीज स्कल कैप में से। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ब्लेंड तैयार होता है, जो फॉर्मुलेशन तैयार होता है उसको नाम दिया गया है यूनिवेस्टिन। और ये एक पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस कहा जाता है कि जो एक नेचुरल फूड बेस्ड कंपोजिशन है, कि जिसके काफ़ी बहुत ही अच्छे बेनिफिट से हमारे जॉइंट के हेल्थ रिलेटेड, के जब भी आपको कोई जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं तो उस वक्त ये कॉम्बिनेशन के सबसे बेस्ट इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि अकेसिया कटेचू, कि जिसको हम हिंदी में खैर भी कहते हैं, तो खैर या फिर खादिर जो है उसको कहा जाता है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और दूसरा जो इसके अंदर जो हर्ब है वो है बाइकन स्कल कैप या फिर उसको चाइनीज स्कल कैप भी कहा जाता है। तो ये दोनों को कंपोजिशन से जो एक नया ब्लेंड तैयार किया गया है, फॉर्मुलेशन तैयार किया गया है, उसको नाम दिया गया है यूनिवेस्टिन। तो ये यूनिवेस्टिन को यूज़ करके ये मैक्वेस्टिन के जो टैबलेट जो है वो बनाए गए हैं। तो उसके हम बेनिफिट्स देखें तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन और इनहिबिट करते हैं ऐसे एंजाइम की जो रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेमेशन के लिए। इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन होना। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझो कि जब आपको ऐसे जॉइंट पेन होते हैं तो जॉइंट पेन में स्पेशली वहाँ पे क्या होता है कि एक तो वहाँ पे सूजन हो जाती है और जिसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन होना, और वहाँ पे पेन होना जो है वो स्टार्ट होता है। कि यहाँ पे ये जो जॉइंट है वो कई बार अकड़ जाते हैं, वहाँ पे पेन होता है, सूजन हो जाती है। तो ये मेडिकेशंस के बेनिफिट्स आपके ये जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में रहेगा कि ये रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन और ये सब प्रॉब्लम्स में से आपको जो है वो रिलीफ देगा। फिर उसके जो हम फंक्शंस देखें तो इम्प्रूव क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। कि समझो कि अब सूजन कम कर देगा, पेन कम कर देता है, तो वो जो आपका जॉइंट था वो अच्छे से काम करेगा फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी जॉइंट्स की, साथ ही साथ उसका जो फिजिकल फंक्शन है जॉइंट्स का वो इम्प्रूव हो जाएगा, कि जिससे
आपकी बॉडी और जॉइंट दोनों अच्छे से काम करेंगे। बिकॉज जब पेन होता है जॉइंट्स के अंदर, वहाँ पे सूजन होती है, तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है कि काफ़ी पेन रहता है। इस तरह से आप देखो कि यहाँ पे समझो कि नी जॉइंट पे काफ़ी पेन आपको हो रहा है, या फिर यहाँ पे एल्बो के जॉइंट में काफ़ी इस तरह से पेन आपको हो रहा है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये सॉल्व करने में ये टैबलेट्स के काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं। और तीसरा हम देखें तो जितने भी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें जो है वो काफ़ी उसके बेनिफिट्स है कि ऐसे पेशेंट के जिनको ये जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है और साथों साथ वहाँ पे उनको काफ़ी पेन हो रहा है, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। कि समझे कि आप सिंपल समझ लो कि जब इस तरह के जॉइंट पेन वगैरह होते हैं, लाइक हम कहते हैं कि आर्थराइटिस की कंडीशन है, ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन है, तो पेशेंट्स को मूवमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, चलने में काफ़ी दिक्कत आती है, और वो प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा बिकॉज पेन कम कर देगा, सूजन कम कर देगा, वो जॉइंट फिर से फ्लेक्सिबल बनाएगा, उनके फिजिकल फंक्शन फिर से वापस नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। कि जिससे जो इम्प्रूव होती है मूवमेंट, कि जो भी पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, कि जो आसानी से फिर से चल पाते हैं, वॉकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपरली मूवमेंट जो है वो कर पाते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ पेन। तो अब उसके बेसिक यूज़ देखें तो कौन से अलग अलग कंडीशंस के अंदर ये टैबलेट को हम अब यूज़ करते हैं, कि उसके जो बेनिफिट्स है उसको हम कहाँ पे यूटिलाइज़ करें। तो सबसे पहले कि जो जॉइंट स्टिफनेस, कि ऐसी कंडीशन की जो हमारे जॉइंट्स जो है वो काफ़ी अकड़ जाते हैं, कि जिससे आपको वहाँ पे पेन होता है, सूजन जैसा देखने को मिलता है, कि जैसे कोई भी जॉइंट है, कि यहाँ पे देखो हिप के जॉइंट है, या फिर हमारे फुट के जॉइंट्स आप देख लो, नी जॉइंट देख लो, स्पाइन का जो जॉइंट होता है, शोल्डर्स के जो जॉइंट होते हैं, या फिर रिस्ट के जॉइंट, मतलब कि हमारे बॉडी के जो मेन जो जॉइंट्स के जो एरिया होते हैं वहाँ पे स्टिफनेस आ चुकी है, तो उसके इलाज में ये मेडिकेशंस जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। एज वेल एज ये ऐसा मेडिकेशन है कि डायरेक्टली आप बिना प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर OTC भी आप ये मैक्वेस्टिन के टैबलेट परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप अलग अलग जो वेबसाइट्स है उससे ऑनलाइन भी परचेस जो है उसको कर सकते हैं। फिर अगर जॉइंट में डिसकम्फर्ट हो, मतलब कि जॉइंट में पेन के कारण आपको ऐसे कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है कि काफ़ी अनकम्फर्टेबल कंडीशन है, काफ़ी पेन होता है, तो उस वक्त भी ये मेडिकेशन हेल्प करता है। फिर जॉइंट पेन के ट्रीटमेंट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। समझे कि इन्फ्लामेशन है, सूजन है आपके जॉइंट्स के एरिया में, तो भी ये मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं। आर्थराइटिस की, जिसको हम हिंदी में गठिया कहते हैं, कि गठिया रोग जो होता है, या फिर जो ऑस्टियो आर्थराइटिस, वात रोग या फिर गठिया रोग, दोनों में ये मेडिकेशन सबसे बेस्ट रहती है, बिकॉज नेचुरल हर्ब से बनाया हुआ ये कॉम्पोजिशन है, कि जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी कम कर देता है और काफ़ी अच्छे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देता है। साथों साथ ये सब कंडीशन होती है तो सिर्फ जॉइंट में नहीं पर बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी आपको पेन होता है, तो ये सभी पेन को भी कम करता है ये मेडिकेशन। सो बॉडी पेन के ट्रीटमेंट में भी इसको हम जो है वो यूज़ कर सकते। तो ये गए उसके स्पेशल एज वेल एज बेसिक यूज़ अबाउट द मैक्वेस्टिन टैबलेट। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो कंडीशंस आप देख रहे, कि समझो कि किसी को यहाँ पे ये एरिया में पेन हो रहा है, यहाँ पे आपको नी जॉइंट पे काफ़ी पेन है, शोल्डर में पेन रहता है, या फिर इस तरह से पूरा ये रीजन, कि जिसको बैक पेन जो हम कहते हैं, कि वहाँ पे भी जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, या फिर जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे, समझो कि जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपको पेन हो रहा है, बैक पेन जैसा काफ़ी है, यहाँ पे जो गर्दन के पोर्शन में आए हुए जॉइंट्स में आपको पेन है, यहाँ पे कमर के पास, या फिर ये नी जॉइंट, तो जितने भी जो इस तरह के पेन्स होते हैं, पेन के जो एरियाज़ होते हैं, कि जहाँ पे खासकर पेन सेंसेशन होता है, कि जब वो जॉइंट्स में कोई सूजन आ जाती है, वहाँ पे कोई आर्थराइटिस जैसे कंडीशन प्रोड्यूस होते हैं, वो सभी में ये टैबलेट जो है वो यूज़फुल होते हैं। बिकॉज उसके आप कंटेनर के भी देखो कि यहाँ पे लिखा है कि हेल्प इन इम्प्रूविंग ऑफ मोशन, कि जो आपकी मोशन है, मूवमेंट है, तो वो जो है वो उसमें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी और फिजिकल फंक्शन जो है वो बढ़ाता है। कि जब आपको ये सब पेन होते तो आप काफ़ी अनकम्फर्टेबल कंडीशन फील करते हैं, मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, इवन सोते वक्त भी आपको पेन होता रहता है,
तो ये सभी में से आपको जो है वो छुटकारा देती है ये मेडिकेशन। तो आप समझते हैं उसके डेली डोज के बारे में। तो ये मेडिकेशन जो है वो दो तरह की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एक टैबलेट जो उसके आते हैं वो है 500 मिलीग्राम के टैबलेट्स आते हैं, और दूसरे जो है वो 250 मिलीग्राम। तो दोनों फॉर्मुलेशन में ये अवेलेबल। तो समझो कि आप 500 मिलीग्राम का टैबलेट यूज़ करते हैं तो दिन में सिर्फ एक ही लेना है, ओनली वन। कि यहाँ पे दिखा है कि ओडी मतलब कि सिर्फ वंस अ डे, दिन में एक ही बार लेनी है अगर 500 मिलीग्राम का टैबलेट है। और समझो कि आपके पास वहाँ पे 250 मिलीग्राम का टैबलेट आपको अवेलेबल हुआ है, तो वो जो है वो टैबलेट दिन में जो है वो दो खा सकते हैं, कि टू टैबलेट्स दिन में ले सकते हैं। तो 500 मिलीग्राम के लिए इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 100 के दिन में सिर्फ एक ही टैबलेट जो है वो आपको खानी है, जबकि 250 मिलीग्राम का होगा तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि 101। तो इस तरह से आप सुबह शाम दो टाइम जो है वो ये मेडिकेशंस खा सकते हैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, या फिर लंच या डिनर के बाद आप उसको ले सकते हैं। तो मैक्सिमम दो टैबलेट जो है वो लेने चाहिए एज़ पर द डायरेक्शन एंड एडवाइस बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि मैक्सिमम दो ले सकते हैं आप, कि 250 मिलीग्राम का है तो मैक्सिमम दो लीजिए, और 500 मिलीग्राम का है तो सिर्फ एक टैबलेट जो है वो प्रेफरेबल रहेगी। तो अब जानते हैं कि ये किस तरह से काम करती है, कि मैक्वेस्टिन का जो फंक्शन है तो वो किस तरह से काम करता है। तो आप बाजू में जो डायग्राम है उसके ऊपर ध्यान दो। तो उसमें दो पाथवेज दिए गए हैं, कि एक पाथवे है वो है कॉक्स पाथवे, कि जिसको साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे कहा जाता है, और दूसरा जो है वो एलओएक्स पाथवे है। तो ये जो दोनों जो पाथवे है उसको उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है ये मेडिकेशन। कि यहाँ पे पूरा पाथवे समझो सबसे पहले, कि जो नॉर्मल पाथवे है, कि जो एलर्जी इन्फ्लेमेशन पेन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। तो एक पाथवे बनता है लिपो ऑक्सीजनेस पाथवे, कि जिसको हम एलओएक्स पाथवे कहते हैं, और दूसरा जो पाथवे है वो है कॉक्स वन और कॉक्स टू का, कि जिसको साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवेज हम कहते हैं। तो जो हमारे बॉडी के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं सेल के, वहाँ पे रहा फॉस्फोलिपिड, वो फॉस्फोलाइपेज A2 के इन्वॉल्व से, कि वो एक एंजाइम है उसके इन्वॉल्व से बनाता है अराचिडोनिक एसिड। अब ये अराचिडोनिक एसिड समझो कि यूटिलाइज करता है 5 लिपो ऑक्सीजनेस, तो आगे जाके वो तैयार कराएगा ल्यूकोट्राइन A4, और ल्यूकोट्राइन में से ल्यूकोट्राइन B4 बनता है, और सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। तो ये जो ल्यूकोट्राइन्स है वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं एक तो एलर्जी के लिए, कि जब आपको कोई एलर्जी होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं ये ल्यूकोट्राइन्स। कि जब भी ये ल्यूकोट्राइन्स केमिकल हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो वो मेडिएटर बनते हैं एलर्जी के लिए, साथों साथ इन्फ्लेमेशन की, जिस जगह पे वो रिलीज होते हैं वहाँ पे ये सूजन करवाते हैं और गैस्ट्रिक डैमेज में उनका रोल रहता है। तो अगर ये मेडिकेशंस लेने से क्या होता है, तो ये मेडिकेशन आपके क्या करेगी वो अब आप समझो। तो ये जो आपका मेडिकेशन है वो क्या करेगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा कि अराचिडोनिक एसिड से आगे ये जो ल्यूकोट्राइन्स बन रहे हैं ये बनने का बंद हो जाएगा, बिकॉज ये एलओएक्स जो एंजाइम है उसको वो इनहिबिट कर देता है, कि जिससे ये पूरा पाथवे नहीं बनेगा, कि एलओएक्स नहीं होगा तो ये मेडिकेशंस यहाँ पे असर करेगी, एलओएक्स नहीं होगा तो ल्यूकोट्राइन नहीं बनेगा, ल्यूकोट्राइन नहीं बनेगा तो आगे ये दो उसके वर्जन्स नहीं बन पाएंगे, और ये नहीं बन पाएंगे तो एलर्जी भी नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो और ये मेडिकेशंस लाते तो धीरे धीरे क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, एलर्जी कम हो जाती है, और गैस्ट्रिक डैमेज होना भी कम हो जाता है। उसी तरह से दूसरा जो पाथवे है कॉक्स, कि जहाँ पे समझो कि साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आखिर में बनाते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फिर प्रोस्टासाइक्लिन्स या फिर थ्रोम्बोक्सेंस बनाते हैं, और ये सब मेडिएटर है इन्फ्लेमेशन के लिए और पेन के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो मैक्वेस्टिन जो है वो कॉक्स टू को भी बंद कर देता है, कि जिससे आगे ये तीनों में से कोई भी केमिकल नहीं बनेगा कि जो इन्फ्लेमेशन या पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आप एक सिंपल समझो कि जो हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी
जो ड्रग्स है वो सीखते, तो उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ ये कॉक्स को इनहिबिट करते हैं, जबकि मैक्वेस्टिन जो है वो नेचुरल ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वो दोनों पाथवे को इनहिबिट करता है, कि जिससे नसेड्स के कंपेयर में उसकी इफेक्ट जो है वो हमें ज़्यादा अच्छी मिलती है। प्लस ये नेचुरल होने के कारण नसेड्स के कंपेयर में इसके साइड इफेक्ट काफ़ी कम होते हैं, कि जैसे आप ये पेन्स वगैरह के लिए या इन्फ्लेमेशन के लिए डाइक्लोफेनेक यूज़ करते हैं, एसिक्लोफेनेक यूज़ करते हैं, तो उसके कंपेयर में ये मेडिकेशन के जो साइड इफेक्ट है वो जॉइंट पेन वगैरह में काफ़ी कम रहेंगे। कि जॉइंट पेन वगैरह में समझो कि आप ये मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो एक तो साइड इफ़ेक्ट्स कम होगी और जो नसेड्स के कंपेयर में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। साथ में उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हम समझे तो काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि जो हम जो है वो इतने कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज काफ़ी कॉमन है कि जो कई बार कुछ लोगों को नौजिया होता है, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट, इनडाइजेशन, हेडेक, तो ये इसे कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और नौजिया वॉमिटिंग भी कुछ ही पेशेंट को देखने को मिलता है, ऐसे नहीं कि सभी को वॉमिटिंग भी होगी, सभी को सभी का जी घबराएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ ही केसेस में ये प्रॉब्लम होती है और ये काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं। इवन पेट में दर्द जैसा होना या फिर स्टमक में अपसेट जैसा फील होना, इनडाइजेशन फील होगा, सर दर्द जैसा होना, तो ये काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। बट इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस खास ध्यान रखने हैं आपको, कि सबसे पहले समझो कि आपको मैक्वेस्टिन या फिर उसका जो कंपोजिशन है उसकी एलर्जी है, या फिर इस ये टैबलेट को बनाने के लिए जो दूसरे इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं उसकी आपको एलर्जी होती है, तो तुरंत ये मेडिकेशन लेना बंद कर देनी चाहिए, या फिर आपके फार्मासिस्ट या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कॉन्टैक्ट करके इसका कोई बेस्ट दूसरा अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए। इस तरह से कई बार रैसेस डेवलप हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है आपके चेहरे पे या फिर आपके बॉडी के ऊपर, तो तुरंत बंद कर दे। फिर आपको एलर्जी है सल्फर की या फिर आपको सेलफिश की एलर्जी है, तो आपको पता है कि आपको इस तरह की एलर्जी है, तो जब भी आप डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो ज़रूर से आपके जो फार्मासिस्ट या फिर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या फिर आपके डॉक्टर फिजिशियंस को बता सकते हैं, तो ये मेडिकेशन जो है वो आपको सजेस्ट ना करें। बिकॉज अगर आपको सल्फर या सेलफिश की एलर्जी है तो इससे आपको जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है आपकी बॉडी के ऊपर। अगर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर डिसीज है आपका, लीवर फेलियर है, रीनल फेलियर है, लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी है, या फिर हिपेटिक फेलियर के आप पेशेंट है, तो भी ये मेडिकेशंस को यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सभी कंडीशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर आती है मैक्वेस्टिन के टैबलेट्स के अंदर। फिर समझते हैं उसके यूज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, के प्रेगनेंसी में उसको यूज़ करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम जान लें कि यूज़ विथ कोशन, कोशन मतलब कि आपको प्रॉपर कोशंस मतलब कि प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, कि अगर आप प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप उसको यूज़ करते, तो कोशन का सिंबल खास रहेगा कि अगर आप ये प्रेगनेंसी में यूज़ करते तो आपको आपके जो डॉक्टर है उसको खास जो है वो आपको कंसल्ट करना चाहिए बिफोर यूजिंग दिस टैबलेट, कि आपके जो फिजिशियन डॉक्टर या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको एक बार ज़रूर से कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज प्रेगनेंसी में उसका आप सेल्फ मेडिकेशन मत करना, बिकॉज सभी को ये मेडिकेशन सूट नहीं होती प्रेगनेंसी के अंदर, तो प्रॉपर कोशंस एज वेल एज प्रिकॉशंस के साथ ही आपको प्रेगनेंसी में यूज़ करनी है, वरना जो है वो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग टू बेबी, कि आप प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में है, तो ये मेडिकेशंस को आपको लेने से पहले ज़रूर से गायनेकोलॉजिस्ट या फिर आपके फिजिशियन से ज़रूर से एक बार कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप उसको यूटिलाइज करें या फिर अवॉइड करें। तो यह था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द मैक्वेस्टिन के टैबलेट। तो डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स जरूर से एक्सेस करिए फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर अफोर्डेबल प्राइस में एक साल तक, तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो ये नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।